हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक छोटे बैगन का रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे बैगन लिए हैं। दो आलू है, दो प्याज और टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन लिया है। सबसे पहले हम बैगन को काट लेंगे। बैगन को इस तरीके से काटेंगे, ऐसे ऐसे करके काटेंगे। देखिए, इस तरीके से काट लेंगे। आप देख सकते हैं बैगन को इस तरीके से हमने काट लिया है, ऐसे इस तरीके से काटा है और काट के इसको पानी में भिगो दिया है ऐसे। अब ये जो आलू लिए हैं इसको भी इसका छिलका उतार के इसको काट लेंगे चार पार्ट में। इस तरीके से छिलका उतार दिया हमने, इसको चार पार्ट में कर लेते हैं। ये देखिए, इसको चार पार्ट में कर लिया हमने ऐसे। इसको भी पानी में डाल दिया हमने। इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे पानी में रखने देंगे, बैगन और आलू दोनों को इस तरीके से भिगो के। इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं और तब तक जो हमने ये प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं और टमाटर और प्याज को रफली चॉप करेंगे। देखिए, टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है और प्याज को भी रफली चॉप किया है और जो लहसुन मिर्च अदरक था उसको लहसुन किस तरह से छिलका उतार लिया है और मिर्च को और अदरक को भी ऐसे कट करके रख लिया है। इसका छिलका उतार के कट करके रख लिया है। इसकी भी इसको भी ऐसे साफ करके रख लिया है मिर्च को। आप चाहें तो लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट बना सकते हैं या लहसुन मिर्च अदरक को दूसरे तरीके से भी हम बनाएंगे। जैसे ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया हमने, कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है क्योंकि बैगन कट किया है, साबुत बैगन है। इसको डाल के फ्राई करेंगे। बैगन को इस तरीके से डाल के हम फ्राई करेंगे। साबुत बैगन पहले बना रहे हैं, बैगन पहले साबुत बना रहे हैं। इस तरह नसल के साथ ही फ्राई करेंगे। इस तरीके से चला देंगे तो अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए, ऐसे पलटते रहेंगे, बीच बीच में पलट पलट के फ्राई करेंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से इसको फ्राई कर लिया। देखिए, इसको डाल लेते हैं, फ्राई हो चुका है। अब इसी में जो आलू हमें रफली कट करके चॉप करके रखा था उसको भी डालकर फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट तक आलू को फ्राई कर लेते हैं। चलते हैं चलाते हुए, आलू को भी अच्छे चलाते हुए फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे, जिससे इसमें जो भी नमी होगा नमी खत्म हो जाएगा। आलू भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसको डाल लेते हैं। बैगन को हमने फ्राई करके रख लिया है। ये देखिए, इस प्लेट में निकाल के रख लिया है आलू और बैगन को फ्राई करके हमने। अब इसी कढ़ाई में एक तेज पत्ता और थोड़े से साबुत गरम मसाले इसमें डालेंगे। थोड़े से साबुत गरम मसाले और जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को जो मैंने रखा था चॉप करके इसको डालेंगे। फ्राई करेंगे और इसी में जो रफली चॉप किया हमने टमाटर इसको भी डालते हैं। अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। आधा चम्मच की करी में हम भी नमक डाल देंगे। आधा चम्मच की करी में नमक है उसको डाल के चार पाँच मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। चलाते हुए फ्राई करेंगे। जैसे फ्राई करने देखिए जो भी आपको मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। फ्राई होने देते हैं, आप देख सकते हैं फ्राई हो चुका है। ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तभी ठंडा हो जाएगा। फिर इसको ग्राइंड करेंगे, इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तभी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको पीस लेंगे। प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और साबुत गरम मसाले जो मैंने फ्राई किए थे वो ठंडा हो चुका है। अब इसको मिक्सी के इस जार में डाल देते हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरीके से इसको हमने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, इसमें गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया हमने। इसमें ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ा सा डालने दिया एक तेज़पत्ता और एक सूखी मिर्च, क्योंकि पहले भी मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया है। जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने पेस्ट बनाया उसमें हरी मिर्च है, चार पाँच हरी मिर्च में डाला था, इसलिए मैंने एक ही सूखी मिर्च डाला है। आप जितना दिखा पाते हो उसके अनुसार आप सूखी मिर्च और डाल सकते हैं या मिर्च हरी मिर्च या सूखी मिर्च को घटा बढ़ा सकते हैं। हरी मिर्च या सूखी मिर्च की क्वांटिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं, आप जितना दिखा पाते हो उसके अनुसार डालिएगा। ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जो पेस्ट हमने बनाया था उसको डालेंगे, फ्राई करेंगे। दो फ्लेम पे, दो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। आप इसी चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमने अपना फ्लेम मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। इसको चलाते हुए आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच सब्जी मसाला और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, सबको डाल के हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हमारे मसाले भी फ्राई हो जाएंगे। चलाते हुए फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, एक कसूरी मेथी थोड़ा सा डालेंगे इसे,
इसका टेस्ट अच्छा आता है। मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारे मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो सब्जी में टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर मसाले फ्राई नहीं होंगे सब्जी में टेस्ट नहीं आता है, सब्जी टेस्टी नहीं होता है। जितने अच्छी तरीके से मसाले हम फ्राई करेंगे उतना ही टेस्टी सब्जी तैयार होगा हमारा। मसाले को हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जिसे चलाते हुए देख सकते हैं आप मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें जो बैगन और आलू को हमने फ्राई करके रखा था उसे डाल के इसे मिक्स कर देते हैं और इसको मिक्स करने के बाद हम अपना फ्लेम लो करेंगे। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे 2-3 मिनट तक, बिल्कुल हम अपना फ्लेम लो करेंगे, स्लो कुक करेंगे, इसको ढक के पकाएंगे 2-3 मिनट तक। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर हम पहले मैंने नमक ऐड किया था जब टमाटर प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च को जब मैंने फ्राई किया था उस टाइम भी मैंने नमक इसमें डाला था आधी चम्मच के करीब में। अभी मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाला है, आप अपनी क्वांटिटी और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक का यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी 1 चम्मच डाला है और इससे पहले आधी छोटी चम्मच मैंने नमक डाला था। इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालने से हमने जो नमक डाला है अच्छी तरीके से मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था इसमें और इसको लो फ्लेम पकाएंगे। इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, अब फ्लेम हम अपना लो कर देंगे और इसको ढक कर 2-3-4 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, ये देखिए ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। इसको खोल के अभी हम चला लेते हैं, देख सकते हैं फ्राई हो चुका है हमारा ये। अब इसमें हम इस बाउल से 1 बाउल पानी डाल देते हैं, पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। देखिए मिक्स कर दिया, मिक्स करके 1.5 बाउल पानी हमने इसमें डाला है। थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं, 1 बाउल डाला है, 1/2 बाउल और इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और फिर से इसको ढक देंगे। देखिए 4-5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे हम, इसे इसको ढक देते हैं और 4-5 मिनट तक इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे। 4-5 मिनट तक इसको ढक के पका लेते हैं, हमारे 5 मिनट भी हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं सब्जी हमारी, सब्जी रेडी हुई है, इस तरीके से इसको चला लेते हैं। देखिए हमारी बैगन की सब्जी बिल्कुल रेडी है, निकाल को देख लेते हैं, पका है कि नहीं, पक चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। सब्जी हमारी रेडी है, उसी बटन में इसको सर्व करते हैं। अब देख सकते हैं सब्जी हमारा रेडी हो चुका है और हमने एक आलू को तोड़ के देखा था, आलू भी पक चुका है पूरी तरीके से। गैस को अब ऑफ कर देते हैं। बैगन की सब्जी को हमने रेडी कर लिया है, बैगन और आलू का सब्जी हमने बनाया है। साबुत बैगन की सब्जी है, छोटी वाले बैगन है। इस तरीके से हमने बैगन का सब्जी बनाया है, काफ़ी टेस्टी तैयार हुआ है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। इस सब्जी को आप रोटी चपाती पूरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी तैयार हुआ है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसको हमने इसमें डाल दिया, हम इसको थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी तैयार हुआ है बैगन और आलू का सब्जी। इस तरीके से आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।